हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बिना चीनी बिना गुड़ के गर्मियों में खाए जाने वाले टेस्टी और हेल्दी लड्डू। लड्डू की रेसिपी फ्रेंड्स बहुत ही आसान सी है। और वीडियो देखने से पहले आप लोग मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो, और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। तो चलिए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले हम कढ़ाई रखेंगे गैस पे और इसमें देसी घी लेंगे। फ्रेंड्स ये घी मेरे घर का बना हुआ है, ये घी यूज़ कर रही हूँ मैं। इसमें कढ़ाई में मैंने 3 चम्मच घी डाल दिया है फ्रेंड्स, और घी को हम पिघलने देंगे पहले तो, और फिर इसके अंदर हम ड्राई फ्रूट्स को भून लेंगे। फ्रेंड्स सबसे पहले हमने काजू डाले हैं और ये मैंने बादाम भी डाल दिया है इसके अंदर, और अब इन्हें भून लेंगे फ्रेंड्स। हल्का सा कलर आने देंगे, ज़्यादा नहीं भूनना है हमें इन्हें, और आप अपने अकॉर्डिंग भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं इसके अंदर, लड्डुओं के अंदर जो आपको खाने में पसंद हो फ्रेंड्स। मैंने पम्पकिन शीट डाल दिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही हेल्दी होते हैं और ठंडे भी होते हैं पम्पकिन शीट्स, और इनको भी हल्का सा हम भून लेंगे। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं फ्रेंड्स। इसके अंदर हम डाल रहे हैं खरबूजे के बीज फ्रेंड्स, इनकी तासीर बहुत ठंडी होती है फ्रेंड्स, ये हेल्थ के लिए भी अच्छे होते हैं और गर्मियों में इनका सेवन करना बहुत अच्छा होता है। और जैसे कि हम खरबूजे तो खाते ही हैं और इसके बीज भी बहुत ही हेल्दी होते हैं खरबूजे के साथ साथ, खरबूजे के बीज। ओके फ्रेंड्स, ये भी हमारे ये बहुत जल्दी फूल भी जाते हैं, देखिए कितने अच्छे से फूल गए हैं ये। अब इसके अंदर मखाने डाल देंगे, मखानों को भी हम तल लेंगे जल्दी से। सर्दियों के मौसम में तो हर कोई अपने घर में लड्डू बनाता है तरह तरीके के, लेकिन गर्मियों में बहुत ही कम लड्डू बनाए जाते हैं। ये मैं ऐसी रेसिपी लेके आई हूँ फ्रेंड्स जो कि आपके लिए गर्मियों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, और ये समर स्पेशल रेसिपी है फ्रेंड्स। और ये लड्डुओं में मैं जितने भी इंग्रेडिएंट्स डाल रही हूँ उनकी तासीर ठंडी होती है फ्रेंड्स, और सभी इंग्रेडिएंट्स हेल्दी भी होते हैं बहुत ही ज़्यादा। इन्हें हम किसी भी मौसम में यूज़ कर सकते हैं, खा सकते हैं फ्रेंड्स। लड्डू को आप गर्मियों में बनाकर आराम से खा सकते हैं अपने परिवार फैमिली सबके साथ मिलकर फ्रेंड्स। किशमिश भी अच्छे से भून गई हैं और फूल भी गई हैं, हमें इन्हें निकाल लिया है हमने। अभी कोकोनट लिया है मैंने, इसको कद्दूकस कर लिया था, अब इसको भी भून लेंगे हम फ्रेंड्स। ये बहुत ही जल्दी भून जाता है, इसको हमें 30 सेकंड भी नहीं लगेगा, और इसको निकाल लेते हैं। अब ये भी भून गया है हमारा। कढ़ाई में हम फिर से घी डालेंगे, देसी घी फ्रेंड्स, और इसके अंदर मैं 2 कटोरी सूजी ले रही हूँ फ्रेंड्स। आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं, ज़्यादा या कम जितना भी आपको लेना है उतना आप ले सकते हैं। ये देखिए हम इसको ना गोल्डन कलर आने तक भूनेंगे सूजी को, आप चाहें तो सूजी को इग्नोर भी कर सकते हैं, ऑप्शनल है ये। ये हमारी सूजी भी भुन गई है फ्रेंड्स, ये देखिए कलर आ गया है इसमें गोल्डन कलर हल्का हल्का। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे फ्रेंड्स। अब ये मैंने मिश्री ली है फ्रेंड्स, ये धागे वाली मिश्री ली है, ये बहुत ही ठंडी होती है फ्रेंड्स, इसको खाना बहुत ही अच्छा होता है शरीर के लिए। तो ये हम इसका थोड़े थोड़े छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे पहले तो मिश्री के, ये देखिए छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। अब इसको हम ग्राइंड कर लेंगे, बारीक सा पाउडर बना लेंगे हम इसका। देख सकते हैं कि ये लड्डू कितने ठंडे बनेंगे जिसमें हमने मिश्री का यूज़ किया है, ना तो चीनी डाली है और ना ही गुड़ डाला है फ्रेंड्स। ये हमारा पाउडर रेडी हो गया है मिश्री का। अब ये ड्राई फ्रूट्स थे, इसमें से जो मोटे मोटे ड्राई फ्रूट्स थे मखाने काजू और बादाम, इनको हम थोड़ा सा दरदरा सा पीस लेंगे फ्रेंड। ये देखिए मैंने इनको दरदरा सा पाउडर सा रेडी कर लिया है। अब इसे हम जो हमने सूजी भून के रखी है फ्रेंड्स उसमें डाल देंगे, सारा का सारा डाल देंगे एक साथ, और इसके अंदर हम डालेंगे जो हमने मिश्री पीस के रखी है उसको भी डाल देंगे फ्रेंड्स। इसके अंदर हम वो ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे, जैसे बीज और किशमिश मैंने बचा लिए थे उसके अंदर नहीं डाले थे मैंने मिक्सी जार में, उनको पीसा नहीं है क्योंकि ये थोड़ा मुंह में आएंगे, स्वाद लगता है अच्छा लगता है, दांत के नीचे आते हैं तो बीज वगैरह, तो इसलिए मैंने इनको बचा लिया था। और अब हम इन सभी चीज़ों को मिला लेंगे फ्रेंड्स, और फिर इसके अंदर हम कोकोनट डाल देंगे, अभी हमने कोकोनट नहीं डाला है, इसको भी मिक्स करेंगे फ्रेंड्स कोकोनट को भी। हमने जितने भी इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं सारे हेल्दी हैं फ्रेंड्स, हमारे शक्ति को वो एनर्जी देते हैं फ्रेंड्स। अब हम इसके अंदर जो यूज़ करेंगे वो है काली मिर्च पाउडर, ये भी बहुत ठंडी होती है फ्रेंड्स, इससे आंखों की रोशनी तेज रहती है। और फिर डालेंगे इसके अंदर हम फ्रेंड्स, ये है सौंफ पाउडर,
तासीर बहुत ही ज़्यादा ठंडी होती है फ्रेंड्स। आप लोगों ने भी देखा होगा कि शायद कि ठंडाई बना के भी पी जाती है तो उसमें सौंफ डाली जाती है, तो ये सौंफ बहुत ही हेल्दी होती है। ये मैंने इलायची पाउडर डाल दिया, ये भी हेल्दी होता है और ना इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और ना ठंडी भी होती है फ्रेंड्स। अब हम अपने लड्डू रेडी करेंगे फ्रेंड्स। ये इसमें घी बहुत सारा है तो इसमें आराम से लड्डू बन जाएगा हमारा। ये देखिए लड्डू हमारा ये रेडी हो गया फ्रेंड्स। बहुत ही आसान सी रेसिपी है। देखिए दूसरा लड्डू बना के दिखाती हूँ मैं। हाथों से इस तरीके से दबाते रहिए और लड्डू हमारा रेडी हो जाएगा फ्रेंड्स। देखिए कितने बढ़िया सा हमारा लड्डू रेडी हुआ है फ्रेंड्स। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स अपनी फैमिली के लिए। गर्मियों में इन लड्डुओं को बना के ज़रूर खाइए, इससे आप लोगों के स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और आपको गर्मी भी कम लगेगी फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगी है तो फिर से बोलती हूँ फ्रेंड्स, चैनल मेरा ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।